This movie is encoded by Dr. Star. कंपनी पे केस कर दूंगा। प्लेन लैंड तो हो जाने दो। वो हमारी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा
ऐसा नहीं है, वो बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। झूठी। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? इंटरनेट से डाउनलोड की है ना ये फोटो, मैं पहले भी देख चुका हूँ, पक्का हो। सुनो, क्या तुमने कभी सोचा है प्लेन क्रैश हो गया तो? अरे तुम चुप रहो, समझी? सीधी बैठो। अपने प्रेमी के साथ प्लेन क्रैश एंजॉय करूंगी। तुम्हारा प्रेमी? हा? हमारी डील मत भूल जाना, ठीक है? 2013 में 19 मार्च के दिन हमने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया था। अभी हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तुम मेरी असिस्टेंट हो, गर्लफ्रेंड नहीं हो नकचड़ी। कम ऑन, ये कोई डॉक्यूमेंट्री है क्या? 19 मार्च की सुबह नर और मादा एक दूसरे से अलग होने का वचन देते हैं। मादा को तो बहुत प्यार है, लेकिन नर थोड़ा अकड़ू है। अरे दोस्त, दोस्त, मैगजीन पढ़ने के लिए मिल सकती है क्या? ले पढ़ ले। ओ, मैं तो बस फोटो देखूंगा। देख ले देख ले, हमने तो पब्लिश किया ना। क्या बात है यार, तुमने पब्लिश की? तुम करते क्या हो? खच्चा। क्या बात है मिस्टर डिक? आ जा मेरे दोस्त। हाय। कैसी हो बे? लॉटरी लग गई क्या? ऐसी शानदार गाड़ी कहाँ से आई? अरे मेरी गाड़ी तो सेकंड हैंड है यार, मुझे लेने के लिए टैक्सी भेजी थी। बाकी गाड़ियाँ कुछ VIPs को पिकअप करने गई है, वो कुछ खास नहीं है। बकवास मत कर यार। अच्छा मैंने सुना तेरा और फे का ब्रेकअप हो गया, तो ये यहाँ कैसे? अरे अपनी गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, मेरे लिए असिस्टेंट हायर कहाँ से करता? पैसों के बिना कुछ नहीं होता यार। तू हमेशा पैसों की बातें करता है यार, जरा ये जगह देख, कितनी सुंदर जगह है। इसे एक वेकेशन समझ, काम नहीं। मैं भी इस प्रोजेक्ट से ज्यादा नहीं कमा रहा। उल्टा हो गया तू क्या सच में? मैं तो वैसा ही हूँ। अच्छा सुनो फे, तुम दोनों ने तो ब्रेकअप कर लिया था ना फिर इसके साथ? ब्रेकअप हुआ था फिर से। तुम भी ना फे, कमाल हो। अच्छा फे, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मतलब तुम्हारे जैसी एक लड़की, माना कि तुम कोई हूर परी या अप्सरा नहीं हो, पर फिर भी तुम इस गरीब लंगूर के साथ क्या कर रही हो? आज मैं तुम्हें कई रईस दादों से मिलवाऊंगा, देखना उनमें से एक दो को पटाना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। सच बोल रहे हो तुम? हाँ सच में। उन्हें मेरी तरह अकलमंद लड़कियाँ पसंद होगी ना? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। अपनी सलाह रखो अपनी जेब में, मुझे मेहनत करने वाले लड़के पसंद। मैं क्या कह रहा हूँ साइंचे, इतनी अकड़ भी किस काम की यार, कि मतलब लड़की तो अच्छी है। ठीक है चुप हो जा, मैं अमीर लड़का हूँ, मेहनत से अमीर बनाऊ, समझा? हेलो, तुम्हारी मर्जी, जब चाहो आ जाओ। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं मैं आ जाऊंगी। हाँ अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके बाय। Ah!
me, that's my song. They kill me all, get along. Hey, DJ, play that song. It ain't nothing but a party going on. Turn it up, homie, that's my song. They kill me all, get along. Hey, DJ, play that song. रिको आ जाओ बाहर आ जाओ. सुनो ठीक हो ना तुम? तुम ठीक तो? चलो पार्टी जारी रखो. मशीन रूम तुम्हारी जिम्मेदारी है. घंटे भर के लिए सारे वॉकी टॉकी बंद होने चाहिए. हाँ ठीक है, काम हो जाएगा. अभी ये क्या है? चोरी करनी है, गले में बैठना है? क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? दादाजी जल्दी कीजिए, हमें शोर मत बचाना. दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं? इसीलिए दादी आपको छोड़कर चली गई. जल्दी चलिए, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं. हट जा बेटा, हट, एक मिनट. लेकिन वो है क्या? दादाजी चलिए ना. क्या आप भी एक कीड़े के पीछे पड़े हुए हैं? चलिए, देर हो रही है. मैंने कहा था ना आपसे देर हो जाएगी, पर आप सुनते ही नहीं है. बेटा छोटा, ये तो कंपटीशन है, इतनी जल्दी क्या है? मैं वहाँ गेस्ट हूँ. अच्छा, और तो और वहाँ ओपन बार है, खाना है और हॉट लड़के भी होंगे. बीच पर टैनिंग भी ले सकते हैं. आपका रंग उतर गया, आपको टैनिंग की जरूरत है. मजाक नहीं कर रही. तुम्हारे दांत में कुछ फंसा है? क्या कहा तुमने? तुम्हें नहा लेना चाहिए. मैं अकेली जाऊं? तुम भी साथ चलो ना. एक मिनट रुको, सब ठीक है. अच्छा अच्छा, लो लो लो, आराम से संभालो. देखो प्रपोजल एकदम परफेक्ट होना चाहिए. हाँ ठीक है ठीक है, मैंने यहाँ पे शैंपेन रखी है. मैं समझ गया, तू इसे लेकर जा 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 यहाँ से जा. देख यहाँ पे रेड वाइन के ग्लास अलग है और शैंपेन के अलग है, समझ गया ना तू? भी क्या है यार, तुम्हारे प्रपोजल का वीडियो लूंगा तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं, तू ये सोच भी कैसे सकता है, ये मेरा पर्सनल मामला है. कितना स्पेशल मोमेंट है ये. तुम ही हो मेरी प्यारी फे. अरे यार क्या है, क्या दिमाग खराब कर रहा है? प्रपोज कर दिया क्या? कौन आया है? सर टिप, प्रोड्यूसर ने हमें सेट पर बुलाया है, तुम तैयार हो जाओ. ठीक है. ये सब क्या है? प्रोड्यूसर की तरफ से. लेडीज एंड जेंटलमैन एंड पीपल ऑफ ऑल एजेस, सबका स्वागत है. मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक बहुत बड़े आदमी,
इवेंट के इन्वेस्टर जो है बेहद जिंदा आर्टिस्ट केविन। आप सबसे बात करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, तो मिस्टर केविन हमें बताइए आप एक ही गर्ल में क्या ढूंढ रहे हैं? सिर्फ एक चीज, लड़कों का गला खींचने की क्षमता। वो लड़की जो ज्यादा मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी वही एक कॉन्टेस्ट जीतेगी और विनर कहलाई जाएगी सीगल। क्या कर रहे हो? कुछ ढूंढ रहा था। चलो ना, देर हो जाएगी। हाँ जाओ, तैयार हो जाओ। तो दोस्तों क्या कहते हो, पार्टी शुरू की जाए? पार्टी चालू रखो। लाओ सुनो, लोग कहते हैं कि चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं। ये मेरी आखिरी चोरी है, इसके बाद मैं चोरी नहीं करना चाहता। अच्छा, मतलब शादी करके तुम सेटल हो जाना चाहते हो, है ना? लाओ। क्या? सुनो, ज्यादा लालच मत करना, जल्दी निकलना है। हाँ, पर एग्जैक्टली कितना टाइम है अपने पास बताओगे? बुजुर्गों से हाँ। और बच्चों से हाँ। चीजें मत चुराना। ठीक है, पर चॉकलेट दिख गई तो? बकवास बंद कर। दादाजी, ये जगह तो बहुत ही हाई फाई और क्लासी लग रही है ना, शानदार है। यकीन नहीं होता, मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे ताज्जुब होता है कि ये सब मैंने बनाया है। वाकई कमाल है। सब नकली है, मुझे क्या पता नकली है? है आप कभी मेरी तारीफ नहीं करते हैं। अरे नहीं बेटा, मां जी तुम जानती हो इंसानों की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? सबसे बड़ी कामयाबी? हाँ। दादाजी, आपके लेक्चर ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। इंतजार कर रहे हैं मैम। मेरा इंतजार? हाँ, पर मैं कोई कंटेस्टेंट तो नहीं हूँ। पर आप गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और शो के बाद आप स्टेज पर स्पीच भी देने वाली हैं ना? क्या हाल है भाई? डरा दिया तुम्हें? अबे धक्का क्यों मार रहा है? ना वहाँ पे मजे मार रहे हैं, ठीक है? बेहतर होगा हम उसे डिस्टर्ब ना करें अभी, ओके? फिर हटो हटो तुम यहाँ से। सैंक्शन, केविन के साथ तुमने अपॉइंटमेंट फिक्स की थी ना, उसका इंटरव्यू ले रहा है। चलो एक मिनट। अरे रुकना, उसका इंटरव्यू कौन पढ़ने वाला है? इसके और उसके होते हुए अमीर लोग ऐसे इवेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं लोगों की नजर में आने के लिए, समझे? उन्हें ये सब पसंद है। चलो जल्दी। मुझे कुछ देर बाद कंटेस्टेंट्स के इंटरव्यू लेना है। अच्छा कोई बात नहीं, सुनो फिर तुम चलो मेरे साथ। चलो जरा सुन,
पर आपको कोई बुला रहा है। हाँ मैं अभी आ रही हूँ। दरअसल मैं कंटेस्टेंट नहीं हूँ। दरवाजा बंद कर, यहाँ पे कैमरे लगे पागल। कर बंद। तुझे क्या हुआ? क्या देख रहा है ब्रो? तेरी पर्सनालिटी तो बहुत बढ़िया है, तो गोल्डन फ्रेम के सनग्लासेस लगा ले, लुई फिलिप की घड़ी पहन ले और अरमानी का सूट पहन ले, और अभी तू वेटर लग रहा है। चुप रहे, यहाँ कैमरा है। दरअसल मेरे पापा चाहते थे कि मैं एक सरकारी अफसर बनूं। सही है, उन चोरों को सजा नहीं मिलती। आजा 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 आजा। केविन, केविन, एक्सक्यूज मी केविन, केविन। ये वही मशहूर फोटोग्राफर और रिपोर्टर है जिसने क्लिंटन की वाइफ के फोटोज लिए थे। स्टीवन, स्टीवन जांग नाम है। आज बहुत गर्मी है ना, पूरा मेकअप खराब हो रहा है। हाँ मेरा तो रूम में बैठने का ही मन कर रहा है। दोस्तों आज मैं जिससे आपको मिलाने वाला हूँ वो कोई कंटेस्टेंट नहीं, इस होटल की आर्किटेक्ट है। तो स्वागत कीजिए मिस मांची का। वो देखे हो मेरी पोती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मांची। मिस्टर केविन, आपने इस इवेंट को स्पॉन्सर करने का फैसला क्यों लिया? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज यहाँ बुलाया गया है। उम्मीद है कि आप सबको यहाँ मजा आ रहा होगा। यहाँ बीच है और मेरे पीछे खड़ी है एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियाँ। तो फिर देर किस बात की, पार्टी शुरू करते हैं। ये लड़की को ये आपके टाइप की नहीं लगती। हर लड़की केविन के टाइप की ही होती है। मेरा इंतजार करो। ये मेरी डीसा है ना, जो साउथ अफ्रीका से है। मैं ज्यादा नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि ये एक गोली एक लाख की है। काफी अमीर लगते हो। मैं नहीं हूँ, मेरे डैड अमीर हैं। वीआईपीस के इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया है, मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। तुम मना तो नहीं करोगी ना? नहीं, मैं यहाँ की गेस्ट हूँ, ये मेरा फर्ज है। आपने इस इवेंट के लिए इतना कुछ किया है उसके लिए थैंक्स। चलिए चलते हैं।
देने वाला कहां गया? रंजन, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अच्छा चलो एक इंटरव्यू करते हैं, मेरा और मानसी का, जल्दी करो। सब नया है। क्या नया लगा? मतलब इस तरह इतनी बड़ी आर्किटेक्ट और इतने बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू पहले कभी नहीं लिया ना? जी सही कहा आपने। सुना है कि तुम भी फेमस फोटोग्राफर बन गए हो, काफी बिजी रहते हो, सोने की भी फुर्सत नहीं। हाँ जिम्मेदारियाँ जो है करना पड़ता है। तुम्हारी शादी हो गई? होने वाली है। तुम्हारा हाल? मेरा हाल क्या जानना चाहते हो? सब कुछ। तुम्हारी शादी हो गई? मेरी फैमिली काफी अजीब है तो मुझे नहीं लगता मुझसे कोई शादी कर पाएगा। साल बाद देखा तुम तो और भी खूबसूरत हो गई हो। सच में? हाँ सच में। बताओ राज क्या है? वेजिटेरियन हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, खासकर रात को। रात को एक्सरसाइज करना मुझे भी बहुत पसंद है। जानते हो इसे अपना टेडी बेयर पजामा पहने बिना नींद नहीं आती थी और ठंड बहुत लगती थी। तुम फुटपाथ पर सोते हो क्या? क्या जोक मारा बस। संभालो वरना ठंड लग जाएगी। लगता है तुम दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। हाँ सुनो वाईफाई डाउन है, तुम जरा मशीन रूम जाके चेक करो। हाउसकीपिंग लाओ लाओ। हाउसकीपिंग लाओ लाओ। तुम हैंडसम हो, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो यार, इतना हैंडसम होना गुनाह है।
फैक्ट्स। क्या हुआ, ये क्या बचपना लगा रखा है? वो 2 साल पहले की बात थी, सबका अतीत होता है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मैं सारी गर्लफ्रेंड्स के नाम स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं? हाँ, 2 लिख के। इसका मतलब बहुत सारी थी? नहीं, बताओ कितनी थी? नहीं, ज्यादा नहीं है, सुनो। तुमने पूछा ना, इसलिए बस मैंने मजाक करना शुरू कर दिया था। बेवजह लड़ाई करना बंद करो यार, वो भी पुरानी बातों को लेकर। हाँ, लड़ाई तो मैं ही करती हूँ ना। बताओ, मानची से पहले और बात कितनी थी? और मेरा क्या, मुझसे पहले और मेरे साथ कितनी थी? क्या नहीं, तुम्हारे साथ नहीं थी। एक वक्त पर कितनी गर्लफ्रेंड्स बनाते हो? मुझे कोसती क्यों रहती हो? बहुत हुआ, ये गुस्सा छोड़ दो यार। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे दादी याद आती है। तो मैं बूढ़ी हूँ। रुको, मेरी बात तो सुनो। फे, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे साथ 7 समंदर पार जा सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे मौका ही नहीं देती। चलो देती हूँ मौका। अरे क्या करोगे मौके का? एक मिनट। चीजें नहीं उठाते। हेलो रिसेप्शन, मैं 1601 से बोल रहा हूँ। मैंने अपने कमरे के ड्रॉअर में एक लाल बॉक्स रखा था, वो गायब हो गया है।
कीमती था उसके गायब होने की जिम्मेदारी आपकी है, समझे? वो पागल हो क्या? चलो जल्दी, यहां एक और। मैंने कहा जल्दी चलो। यहां से कहाँ पे? जल्दी चलो, क्या कर रहे हो? जल्दी आओ, चलो चलो। पे कहाँ कहाँ तो? तुम कहाँ थी यार? मुझे लगा तुम्हें एक्सक्यूज मी सर, आप प्रोफेसर मान हैं? हाँ मैं हूँ, तुम कौन हो? ज़ेंगचेन, मानची का दोस्त। तुमने मानची को कहीं देखा है? मैं उसे मिला था, लेकिन वो आर्किटेक्ट है ना, वो केविन सर के साथ गई है यॉट पे। अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि आज ये दुनिया तबाह हो जाएगी? सच कह रहा हूं। ओए, ओए। नीचे पैर के नीचे देखो। ये क्या कर रहे हैं? मैंने देखा है इन कीड़ों का जब पेट भर जाता है तो हमला नहीं करते। अचानक सब कहां गए? पता है चींटियां रानी के लिए खाना लेकर जाती हैं। चींटियां? हाँ यकीनन ये चींटियां नहीं है। हाँ पर ये कीड़े उन्हीं की तरह हैं। ये कीड़े भी दरअसल किसी और के लिए खाना लेके जा रहे हैं। अगर तुम्हें ये खतरा लग रहा है तो इससे कहीं बड़ा खतरा अभी आने वाला है जिसके लिए हम अभी तैयार नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हें वहां वो जहाज दिख रहा है? हाँ दिख रहा है।
मेरे ख्याल से मांची की वेयर उस शिप पर मिल जाएगी। तो मैं तुम्हारी यॉट वहां ले चलता हूँ, देखते मिलती है क्या। तुम्हें यॉट चलानी आती भी है? अरे हाँ, मुझे तो आती ही नहीं। तुम एक काम करो, तुम यॉट चलाओ, मैं जाके पूछ लूंगा। तो चलो चलते हैं फिर। मैं मांची के साथ रुका हूँ। तो यॉट कौन चलाएगा? तुम तैर कर जाओ। मैं तैर कर जाऊँ? अबे मर जाऊंगा यार। तैर कर जाओ। तुम मजाक कर रहे हो। तुम तैर कर जाओ। कोई है? अरे कोई तो जवाब दो, कहां चले गए सबके सब? चोर पायलट कोई तो होगा यहाँ। ये शिप किसकी है भाई? टाइटैनिक वापस ऊपर आ गई क्या?
देखता हूं, देख कहां रह गया। वहां मत जाओ, वहां खतरा है। लेकिन मैं अपने फैंस को निराश नहीं कर सकती। सुनो मेरी बात, सुनो, वहां मत जाओ। रुको रुको फे, यहां कोई है? कोई है क्या? मैं जानता था लाइट अपने आप शुरू नहीं हो सकती। चलो आ जाओ बाहर। हाँ चलो आ जाओ यार, साथ में पीते हैं, क्या कहते हो? मैं तो बस एक टूरिस्ट हूं यहां पे, मेरे पास एक यॉट है, यही पास ही में है। अच्छा सुनो, मैं अंदर आ रहा हूं, अंदर आ रहा हूं, डरना मत, ठीक है? आ गया। आइए, हाथ दीजिए, मदद कर दूं आपकी? उसकी जरूरत नहीं। बड़ा अच्छा लोकेशन है, यहाँ पे काफी अच्छी तस्वीरें आएंगी। देख,
हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ 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 बहुत सुंदर। हाँ थोड़ा सा आगे आइए। हाँ हाँ थोड़ा सा मुस्कुराइए। हाँ लिप आगे। हाँ 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 बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बढ़िया काफी अच्छा पोज है ये। वाह क्या बात है। देख देख देखो बाहर आ जाओ। मैं नीचे आया तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझे मेरी शर्ट खराब नहीं करनी। जल्दी ऊपर आ जाओ। आओ Excuse me, आप ये रिफ्लेक्टर पकड़ेंगे प्लीज। हाँ, अभी आई। देख हे देख आप उनके कंधे पे हाथ रखिए। हाँ हाँ ऐसे ही। Kevin! Kevin!
आओ। अंदर चलते हैं। जल्दबाजी मत कर। मांझी, मांझी, भागो, भागो जल्दी, जल्दी। दर्द होगा, सह लेना, पर इसे बांधना जरूरी है। मांझी, मांझी, मांझी कहाँ हो? दादाजी मांझी, मांझी, दादाजी, मांझी, मैं यहाँ हूँ, मांझी, 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 दादाजी मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ क्यों आए? तुम ठीक हो ना? हाँ, पर आप जाइए यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है। चलो।
क्या
तुम क्या कर रही हो? मेरे फैंस को खून खराबा पसंद है, ये सब तो करना पड़ेगा ना। आइए आराम से दादाजी। चलो एक फोटो लेते हैं। पास आइए और पास और पास। मैन जी, क्या ये सच में टेडी बेयर वाला पजामा पहनता था? लाओ मैं फोटो लेता हूँ। लाओ मुझे तो छोड़ो। इस लड़की को, उन कीड़ों ने इस लड़की को क्यों जिंदा छोड़ दिया? पागल लड़की। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा था तुम मुझे मौका नहीं देती, आज मुझे मौका मिला है तो ये मौका गवाऊंगा नहीं। क्या मुझसे शादी करोगी? घुटनों पर बैठो। क्या तुम भी यहां दोनों के सामने? रोमांटिक मूवीज ऐसे ही खत्म होनी चाहिए। बैठो ना घुटनों पर। मुझे उसने प्रपोज किया, मुझे डायमंड रिंग मिली। डायमंड डायमंड चमचमाता हुआ डायमंड, ये मजा आ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अच्छा ये लो, दोबारा करो। फिर से प्रपोज करूं क्या? तैयार? एक्शन। हे थोड़ा धीरे करो ना, इमोशंस दिखने चाहिए। आंसू नहीं दिख रहे, आंखों में नमी होनी चाहिए। चलो रो ना, खुशी के आंसू दिखाओ। मुझसे शादी हो रही है तुम्हारी। प्रपोजल है या पनिशमेंट?
This movie is encoded by Dr. Star.